होंडा की साइन 125, ये बहुत पहले की बाइक है, आपको पता ही होगा। और यहाँ पे कलर ग्राफिक्स वगैरह बहुत सारा कुछ चेंजेस नजर आ रहा होगा। ये बहुत पहले लॉन्च हो चुकी थी, अब इसमें धीरे धीरे अपडेट हो रहा है। अपडेट क्या रहा, पहला तो बाइक आ गया E20 OBD2 कंबाइंड के साथ, BS6 फेज 2 मॉडल, जिसको बहुत लोग BS7 बोल रहे हैं। सबसे पहले प्राइस जो हो जाता है 95,700 के अप्रोक्स आपको पड़ने वाला ऑन रोड प्राइस रांची झारखंड में। और यहाँ पे अब क्या मिलने वाला, पावर, फ्यूल कैपेसिटी, टैंक, माइलेज वगैरह सारा कुछ कवर कर लेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हेडलाइट वगैरह तो सेम है, क्रोम में देखने के लिए मिलेगा, होंडा का लोगो, इंडिकेटर वगैरह देख सकते हैं। पहला चीज़ देखेंगे यहाँ पे इसका कीज वगैरह की किस तरह का दिया गया है, और मीटर कंसोल। तो आ गए हम यहाँ पे, और कीज इसका देख सकते हैं कुछ इस तरह का दिया गया है, दो की लगा के वन कर लेते हैं। तो मीटर कंसोल वगैरह कुछ इस तरह का देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे न्यूट्रल का लाइटिंग, साइड स्टैंड, और यहाँ पे पासिंग का इस जगह पे देखने के लिए मिल जाएगा। लेफ्ट राइट इंडिकेटर इस जगह पे, और यहाँ पे आपको इंजन चेक लाइट देखने के लिए मिलेगा, ये देख सकते हैं। फ्यूल मीटर इधर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, सारा कुछ एनालॉग में दिया गया है। फ्यूल मीटर भी एनालॉग में देखने के लिए, यहाँ पे बस थोड़ा लाइटिंग देखने के लिए मिल गया है। तो ये सारा कुछ इसमें कोई ज़्यादा अपडेटेड नहीं है, जो पहले आता था सेम, सिर्फ आपको लुक और डिजाइनिंग में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। बाइक जो है E20 OBD2 कंबाइंड के साथ BS6 फेज 2 मॉडल जो भी है ना, वही चीज़ है जिसको बहुत लोग यहाँ पे BS7 भी बोल रहे हैं। तो यही बाइक है, और यहाँ पे आपका क्लच लीवर वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट है, ये पहले पासिंग का स्विच जो था ना, ये आगे करते हैं हाई बीम, लो बीम, यहाँ पे पासिंग का स्विच, ठीक है। लेफ्ट राइट इंडिकेटर इधर, और इधर आपको सेल्फ स्टार्ट जो मैग्नेटिक स्टार्टिंग है, मतलब इतना साइलेंटली स्टार्ट हो जाएगा ना, पता ही नहीं चलेगा। पहले सेल्फ लेने के बाद थोड़ा सा साउंड आता था, बट इसमें ये सीन नहीं है, ये दबाया ये स्टार्ट, ठीक है। मिरर वगैरह आप देख सकते हैं सेम लुक में जो पहले आती थी, वही देखने के लिए मिल रही है। हैंडिंग वगैरह होंडा का लोगो साइन यहाँ पे लिखा हुआ देखने के लिए मिलेगा। अब हम फ्रंट लुक से बात करते हैं, और यहाँ पे देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो पहला हम फ्रंट पे आ जाते हैं, ये देख सकते हैं फुल्ली ग्लोसी ब्लैक में देखने के लिए मिलेगा। क्रोम डिजाइनिंग में हेडलाइट का डिजाइनिंग किया गया है, जो हैलोजिन बल्ब में दिया गया है। नीचे नंबर प्लेट का ऑप्शन, इंडिकेटर सेम जो आपको लिवो में और आपको ये साइन में सेम इंडिकेटर देखने के लिए मिलेगा आपको। नेक्स्ट यही नीचे की ओर आ जाते हैं, तो इस जगह पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, मतलब जिसको बोला जाता है ना, ये देख सकते हैं रिफ्लेक्टर के साथ, ये टेलीस्कोपिक और रिफ्लेक्टर के साथ। फ्रंट मिडगार्ड प्लास्टिक फाइबर, बिल्ड क्वालिटी तो बेहतरीन है क्योंकि होंडा का बाइक है, समझ ही सकते हैं। यहाँ पे टायर सेक्शन आपको 1800 और 18 इंच अलॉय व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर यहाँ पे दिया गया, बट यहाँ पे अगर इस कलर का स्टिकर अगर अलॉय व्हील पे हो जाए ना, तो और भी बेहतरीन लगता है यहाँ पे देखने में, जो काफ़ी कमाल की लग रही है। यहाँ पे लेग गार्ड आपका लग जाएगा, कैटालिक कन्वर्टर, इधर किक स्टार्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। टैंक पे आपको होंडा का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा, क्रोम डिजाइनिंग में देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको पैनल पे 125 फुटरेज, यहाँ पे फोल्डेबल वगैरह नहीं, ब्रेक पैडल, किक, इंजन वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे हेड ब्लॉक वगैरह जो है ब्लैक कलर में देखने के लिए मिल रही है। नेक्स्ट यहाँ पे भी क्रोम का डिजाइनिंग किया गया है, और इधर टगर पैनल पे तो 125 दिखा दिए, टेल पैनल पे साइन ग्रेब रेल ये देख सकते हैं सेम कलर कॉम्बिनेशन में। और ये आ जाता है इसका रियल टेल लैम्प देख सकते हैं, जो बल्ब में देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है। सेम इंडिकेटर, नीचे रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट का ऑप्शन, यहाँ पे आप देखने के लिए मिलेगा आपको ESP, मतलब इसको आपको पढ़ के बताना कि इसके मतलब होता क्या है, अगर नहीं पता तो कमेंट कर देना, हम जानकारी आपको दे देंगे। रियर सस्पेंशन ब्लैक में, और ये एडजस्टेबल, इसको अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। एग्जॉस्ट देख सकते हैं कुछ इस तरह का स्टैंडर्ड साइज में, पहले ना स्टार्टिंग में जो होंडा साइन लॉन्च हुई थी उसमें एग्जॉस्ट काफ़ी बड़ा साइज था, और उसका ना लाउड भी था, बेस आ रहा था पूरा, मतलब इतना फील होता था ना कि साइन में जैसे साइलेंटली है, लेकिन अगर स्पीड चलाते थे तो वहाँ पे थोड़ा ना एग्जॉस्ट इसका मतलब हैवी लगता था। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड कर दिया गया, साउंड जो है स्मूथ हो गया है, और भी पहले से ज़्यादा स्मूथ हो गया। अगर आप स्टार्ट करते हैं तो ये फील नहीं होगा ना कि बाइक भी स्टार्ट, अगर थोड़ा सा डिस्टेंस है अगर आप सुनते हैं तो। फुटरेस्ट ये मैनुअली इसको फोल्ड कर सकते हैं। और रियर टायर सेक्शन का बात कर लें तो देख सकते हैं 80, 100 और 18, मतलब ऑलमोस्ट सेम टायर है दोनों में, जो फ्रंट वही रियर। तो ट्यूबलेस में आपको टायर देखने के लिए मिल जाएगा आपको, और बेहतरीन है। जैपर ग्रिप में देखने के लिए मिल जाएगा फ्रंट एंड रियर, जो फ्रंट वो रियर, और इधर इधर जो देखने के लिए मिलेगा बैक साइड से। तो नंबर प्लेट वगैरह तो हमने बता ही दिया। सीट वगैरह जो है ना, यहाँ पे सिंगल सीट का ऑप्शन दिया गया है, और यहीं आ जाते हैं नीचे की ओर यहाँ। तो सेम लुक, टैंक पे होंडा का पैनल, क्रोम डिजाइनिंग, ये साइन, ग्रैब रेल वगैरह। और नीचे की ओर यहाँ पे मिलता है आपको गियर लीवर, जहाँ पे आपको टोटल 5 गियर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। ये देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, पता नहीं कैसे दिख रहा होगा, तो टोटल 5 गियर का ऑप्शन मिल जाएगा। एक इधर
डाउन स्विफ्ट, बाकी सब पीछे, और साइड स्टैंड में ऑटो कट ऑफ का स्विच। अगर बाइक आप साइड स्टैंड पे करते हैं तो बाइक आपकी बंद हो जाएगी, जैसे ही फिर से होल्ड करते हैं तभी स्टार्ट कर पाएंगे। डबल स्टैंड का भी ऑप्शन मिल जाएगा इसमें, जिसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। और फुटरेस्ट ये सेम यहाँ पे फोल्डेबल, और रियर में आपको देखने के लिए मिलेगा ये फुटरेस्ट, जिसको बोला जाता है लेडीज़ फुटरेस्ट, या तो साइड फुटरेस्ट आप बोल सकते हैं। ज़्यादातर इसको लेडीज़ लोग भी यूज़ करती है फैमिली पर्पज़ के लिए अगर आप लेते हैं तो। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसका इंजन का पावर परफॉर्मेंस वगैरह। तो उसके पहले एक चीज़ बता दें कि रियर में आपको ड्रम ब्रेक, फ्रंट में भी आपको ड्रम ब्रेक, बट इसका एक और वेरिएंट आता है जिसमें आपको डिस्क देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये विदाउट डिस्क है, ड्रम देखने के लिए मिलेगा, और इसमें दिख रहा होगा आपको टोटल दो केबल। तो ये होता है CBS, जिसको बोला जाता है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। अगर आप रियर ब्रेक को अप्लाई करते हैं ना, तो आपका जैसे ये ब्रेक को प्रेस किए रियर, तो आपका फ्रंट ब्रेक जो है ना वो भी वर्क करेगी। तो इससे क्या होगा ना, अच्छा खासा आपको जो है एक ग्रिप मिल जाएगा। और बिगनर लोग जैसे कोई न्यू चलाने के लिए सीख रहा, तो कोई तो सिचुएशन में कभी अगर फ्रंट को ही प्रेस कर दिए, ओनली फ्रंट ये, तो स्किड करने का चांस होता है। तो यहाँ पे अगर सिर्फ आपको ये प्रेस करते हैं तो आपका फ्रंट भी काम कर लेगा, ये फीचर्स यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इसका इंजन से रिलेटेड। तो इसमें मिल जाता है सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक इंजन 124 cc का, जहाँ पे इसका मैक्सिमम पावर का बात करें तो 10.80 PS का मैक्सिमम पावर, 11.1 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। और ये फ्यूल टैंक कैपेसिटी लगभग आपको 10.5 लीटर, मतलब 10.5 लीटर कह सकते हैं, तो 10 लीटर आराम से फ्यूलिंग करवा सकते हैं। और फ्यूल डिलीवरी सिस्टम FI, जिसको बोला जाता है फ्यूल इंजेक्टर। और गियर ट्रांसमिशन, टोटल 5 गियर का ऑप्शन मिलेगा आपको बैक शिफ्ट में और अप शिफ्ट। और यहाँ पे बाइक का वेट तो हो जाता 114 kg अप्रॉक्स विदाउट फ्यूल, मतलब 114 kg। तो ये हो जाता है, वेट भी ज़्यादा नहीं है और माइलेज वगैरह पावर भी बहुत सही है। तो देख लेते हैं बाइक पे बैठ के इसकी लुक वाइज कैसी लगती है। तो आ गए हम बाइक पे और ये देख सकते हैं बाइक कैसी लग रही है लुक वाइज। अगर अच्छी लग रही हो कमेंट करके बताना है। और कंफर्टेबल है, हैंडलिंग वगैरह देख सकते हैं, सीट हाइट वगैरह बेहतरीन। अगर आपका हाइट 5 feet भी है तो भी इसको आराम से नॉर्मली इसको चला सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होने वाला। और लाइटली है, बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं लग रहा है। हैंडलिंग वगैरह, मिरर वगैरह अगर देखा जाए तो काफ़ी कंफर्टेबल यहाँ पे लग रही है। तो चलिए इस तरह का कंटिन्यू बाइक से रिलेटेड रिव्यू लेके आते रहते हैं। शोरूम का डिटेल्स वगैरह तो आपको मिल जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, तो आके विजिट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। शोरूम हरमू में है। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इसके पहले एक चीज़ बता दें, यहाँ पे इंस्टा आईडी आ रहा होगा, तो जाकर DM कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अगर कुछ छूट रहा हो तो पूछ सकते हैं, हर चीज़ से रिलेटेड जानकारी देते हैं। और कार से रिलेटेड रिव्यू देखने के लिए RTS टीम को वाहन चैनल पे जाना है, कार से रिलेटेड रिव्यू वहाँ पे मिल जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।